आज इस वीडियो में हम संख्याओं के स्थान मूल्य के बारे में जानेंगे। गैफी जब स्कूल से घर आई तो उसने देखा कि उसके पापा फूलों का एक गुलदस्ता बना रहे हैं। पापा, यहाँ कितने फूल हैं? यहाँ पर 35 फूल है और मैंने 10 फूलों के 3 गुलदस्ते बनाए हैं और 5 खुले फूल हैं। आपने 10 फूलों का गुलदस्ता कैसे बनाया? मैं तुम्हें समझाता हूँ। किसी भी 10 वस्तुओं के समूह को हम दहाई कहते हैं और खुली वस्तुओं की संख्या को हम इकाई कहते हैं। हर संख्या के प्रत्येक अंक का अपना एक स्थान होता है जिसे हम स्थान मूल्य कहते हैं। किसी भी 2 अंकीय संख्या में इकाई का स्थान दाई तरफ होता है और दहाई का स्थान बाई तरफ। इकाई वाले स्थान में हम हमेशा 0 से 9 तक की संख्याओं को लिखते हैं और जब वह संख्या 10 हो जाती है हम उसका 10 का बंडल बना सकते हैं, इसलिए उसे दहाई के स्थान में लिखा जा सकता है। हमारे पास 10-10 फूलों के 3 समूह है, इसलिए हम 3 की संख्या को यहाँ दहाई के स्थान में लिखेंगे। और अब हमारे पास 5 खुले फूल बचे हैं, इसलिए हम 5 को यहाँ इकाई के स्थान में लिखेंगे। 3 दहाई और 5 इकाई बन गई संख्या 35। गैफी, यहाँ पर कुछ लकड़ियां भी रखी है, क्या तुम इन लकड़ियों की संख्या में अंकों का स्थान मूल्य बता सकती हो? बच्चों, क्या आप भी गैफी की मदद संख्याओं का स्थान मूल्य जानने में करेंगे? पापा, हमारे पास 10 लकड़ियों के 4 बंडल हैं और 7 खुली लकड़ियां हैं। 4 को हम दहाई वाले स्थान में लिखेंगे और 7 को इकाई वाले स्थान में। 4 दहाई हो गए 40 और इसमें 7 जोड़ हो गए कुल 47। हमारे पास कुल 47 लकड़ियां हैं। बच्चों, अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिखाई गई वस्तुओं की संख्या का स्थान मूल्य बताने की। सही उत्तर पता करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 10 से 50 संख्याओं के स्थान मूल्य के बारे में सीखा।